जामुल थाना पुलिस द्वारा सोमवार को क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले बैंकों की सरप्राइज चेकिंग की गई। थाना प्रभारी याकूब मीनन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैंक प्रबंधकों से चर्चा भी की गई, साथ ही बैंक में मौजूद संदिग्ध किस्म के लोगों से पूछताछ की गई। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के दिशा निर्देश पर सभी थानों की पुलिस द्वारा बैंकों में सरप्राइज चेकिंग की जा रही है, साथ ही बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रबंधकों से जानकारी ली जा रही है। इसी कड़ी में छावनी सीएसपी कौशलेंद्र देव पटेल के नेतृत्व में जामुल थाना पुलिस द्वारा थाना प्रभारी याकूब मीनन के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक में जांच कर प्रबंधकों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। प्रबंधकों से सुरक्षा संबंधी जानकारी लेने के उपरांत बैंक आए संदिग्ध किस्म के लोगों से पूछताछ की और बैंक आने का कारण पूछा। अनावश्यक रूप से बैंकों में आए लोगों को खदेड़ा गया। बैंकों की सुरक्षा को लेकर तमाम बंदोबस्त रखने के निर्देश प्रबंधकों को दिए। निरीक्षण की जानकारी जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन ने दी। आज पुलिस अधीक्षक दुर्ग महोदय के द्वारा अभियान चलाया गया है कि जिले के समस्त बैंकों की चेकिंग करनी है। इसी क्रम में आज थाना क्षेत्र के बैंकों की चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत बैंक में गार्ड, सुरक्षा अलार्म, सीसीटीवी कैमरे आदि की चेकिंग की जा रही है और जितने भी सराउंडिंग में संदिग्धों की चेकिंग की जा रही है। इस प्रकार से अभियान कार्रवाई के तहत थाना क्षेत्र के बैंक चेक किए जा रहे हैं। सर, चूंकि अभी आप बैंक ऑफ बड़ौदा में खड़े हैं, तो यहाँ पे किस तरह की खामियां सुरक्षा को लेकर देखने को मिली? यहाँ हमने चेक किया है, सीसीटीवी कैमरे चालू हैं, सुरक्षा अलार्म्स हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, उनको और गार्ड आदि के लिए निर्देश किया गया है। बहरहाल पुलिस को बैंकों में इस तरह का आकस्मिक निरीक्षण लगातार जारी रखे जाने की जरूरत है, जिससे असामाजिक तत्वों में भय बना रहे और बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता बनी रह सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।